हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इसमें जो हम स्क्रिप्ट लेआउट बनाने वाले हैं, जो अपना स्क्रिप्ट लेआउट होगा उसको हम बनाएंगे मैन्युअली कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोग्रेसिव टूल बनाते हैं उसमें आपको स्क्रिप्ट लेआउट बनाना पड़ता है। अब स्ट्रिप लेआउट में आपको कितना पिच रखना है, कितनी विड्थ रखना होती है, पार्ट के अकॉर्डिंग एरिया कैसे निकाल सकते हो, तो हर एक सीरीज जो हम यहाँ पे फॉर्मूला से आपको बात करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसमें स्क्रैप कितना निकल रहा है, कैसे परसेंटेज निकालोगे, सारा जो फॉर्मूला हम मैनुअली यूज करेंगे और आपको मैं बता दूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे देखोगे सिंगल रो है या कहीं पे डबल रो है, डबल रो में क्या फॉर्मूला यूज करना है, सिंगल रो में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, कंपोनेंट कैसा है आपकी, ठीक है, कंपोनेंट कैसा है, किस एरिया में कितना फिल्म रखना है, कितना परसेंटेज रखना है, कहाँ पे कितना एमएम रखना है, वो कैसे डिसाइड करोगे, क्या फॉर्मूला होते हैं, तो सारा चीजें जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अगर मिस कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। जिसको भी प्रोग्रेसिव टूल सीखना है, जिसको भी सॉफ्टवेयर भी सीखना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हो। टेस्ट टूल या टूल एंड डाई का जो भी मेरा प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैं जो है स्क्रैप लेआउट का सॉफ्टवेयर में, इसमें कैसे बनाना है, कैसे परसेंटेज यूटिलाइजेशन करते हैं, कितना कटिंग फोर्स होता है, तो सारा चीजें उसमें मैं डाल रखा हूँ, वहां पे जाके देख सकते हो। और जिसको भी सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग चाहिए वहां पे नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से कैलकुलेशन थ्योरी जो बताता है वो चीजें आपको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है आज वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जैसे हम कोई भी डिजाइन करते हैं स्क्रिप्ट लेआउट का, तो आपको देखना होता है इसको मैं अरेंजमेंट कैसे करूंगा। जैसे मेरा एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली कॉम्पोनेंट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं मिल सकता है, कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो जो भी होगा उसका आप उसकी एक जो है स्क्रैप निकालो। स्क्रैप निकालने से पहले जो कंपोनेंट होगा ना उसकी आपको ब्लैंक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट होता है कभी पे क्या होता है, अनफोल्डेड होता है, इसको हम जो है फोल्डेड होता है कंपोनेंट, इसको हम अनफोल्डेड करेंगे। अनफोल्डेड करने की बात इसकी हम पहले जो है ब्लैंक साइज निकालेंगे। ये जो मेरा कॉम्पोनेंट है ना, ये मेरा ब्लैंक साइज है, मतलब ये मेरे खुलने के बाद ये मेरा ब्लैंक साइज है, ठीक है। मेरा कॉम्पोनेंट जो होगा इसका हम ब्लैंक साइज निकाल लेंगे। तो ब्लैंक साइज निकालने के बाद जैसे मेरा कॉम्पोनेंट है यहाँ पे, मैं अराउंड ले रखा हूँ 40x40, क्योंकि आपको समझाने में मुझे इजी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिप लेआउट बनाएंगे। अब इसको स्ट्रिप लेआउट कैसे बनाओगे, इसको आपको कैसे बनाना है, ऑलरेडी वीडियो है उसके ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसका यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज निकालना है, क्या फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बनाऊंगा। अब देखो यहाँ मेरा सिंगल रो है, मतलब एक ही रो है, और यहाँ पे आओगे यहाँ पे डबल रो है, ठीक है। डबल रो और सिंगल रो में क्या डिफरेंस होता है बताऊंगा आपके मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरा जो कंपोनेंट होगा इसके बीच में पिच कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रंट स्क्रैप होता है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे जो स्क्रैप ब्रिज आ रहा है वो कितना होना चाहिए, एंड स्क्रैप कितना होना चाहिए, ये सारा चीजें का ना एक एक चीजें का फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट हो गया, कॉम्पोनेंट क्या हो गया मेरा, ये अनफोल्डेड हो गया, मतलब मेरा जो कॉम्पोनेंट है ना ये क्या हो गया मेरा, अनफोल्डेड हो गया। ब्लैंक साइज निकाले, डेवलप लेन निकाल लिया मैंने। डेवलप लेन निकालने की बात इसको मुझे कैसे कैसे स्टेज में खोलना होगा, कहीं पे मान लो यहाँ पे होल है उसको पांच करेंगे, कहीं पे बेंडिंग है उसको अनबेंड करेंगे, तो जो जो ऑपरेशन होगा कितना स्टेज में हो गया उसको हम निकाल लेंगे। अब जरा मेरा सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल लेआउट में बनाऊंगा मैं, सिंगल रो में बनाऊंगा, तो लगभग मेरे को यहाँ पे जो ऑपरेशन है तीन ऑपरेशन में खत्म हो रहा है, और ये मेरा फाइनल कंपोनेंट है। जो भी होगा इसको हम दोते में कर रखा है, तो ये मेरा फाइनल कंपोनेंट हो गया। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, फ्रंट स्क्रैप साथ है ये, यहाँ पे जो एरिया होता है जहाँ पे कंपोनेंट खत्म हो रहा है और जहाँ पे एंडिंग है, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, फ्रंट स्क्रैप चाहिए। और जो साइड में होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रैप ब्रिज, ये जो एरिया होता है इन दोनों का जो एरिया होता है यहाँ पे देखोगे इसको हम बोलते हैं स्क्रैप ब्रिज, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्क्रैप ब्रिज, ठीक है। तो आपको स्क्रैप ब्रिज पता लग गया, आपको अब देखो हम निकाल लेंगे पिच। पिच क्या होता है, कोई भी एक कंपोनेंट की सेंटर पॉइंट से दूसरी कंपोनेंट की सेंटर पॉइंट, दूसरी कंपोनेंट में मतलब इसके बीच में स्क्रैप डिस्टेंस जो होगा वो रहेंगे, स्क्रैप बीच जो होगा वो रहेंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पिच, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्क्रिप्ट लेआउट है इसका डब्ल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे, और इसकी मुझे लेंथ मिल गया। तो ये ड्रॉइंग दिमाग में बिठाना है, अगर ड्रॉइंग को दिमाग में नहीं बिठाओगे तो सारा चीजें जो है समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे इसकी ड्राइंग। तो अब हम आते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी पे, टर्मिनोलॉजी मतलब होता क्या है, इसमें क्या हम पैरामीटर रखेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। देखो इसको साथ समझने के लिए इसके बाद ड्राइंग भी सही है आपको साथ में समझने के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिंदगी भर या काम आएंगे अगर मैनुअली बनाना है तो। आजकल तो हम सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है वहां पे हम मैनुअली बनाना पड़ता है। स्क्रैप बीस, ये जो स्क्रैप बीस होता है ये डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, आपका जो थिकनेस होता है ना, अगर कोई थिकनेस क्या होता है 1.5 लेते, कहीं भी आपको 1.25 भी मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम जो है आपको 1.5 लेके चलना है। बट यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर में हम 1.5 लेते हैं, बट एक्चुअल में जो होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में कटिंग करने के लिए आपको कटर चाहिए, कटर चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, उसको एरिया ज्यादा चाहिए,
मिनिमम 5 से 6 mm हम रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लेते हैं ना, ये फॉर्मूला जो होती है इससे कम आपको नहीं लेना है, 1.5 × t लेना है। टी अगर टी कितना है हम बाद में करते हैं, उसको कैलकुलेशन से करके एक एग्जाम्पल कम्प्लीट एग्जाम्पल करेंगे टी कितना लेना है। उसके बाद आता है फ्रंट स्क्रैप, जो आपकी स्क्रैप ब्रिज होता है उससे ज्यादा आपका फ्रंट स्क्रैप होता है। तो अभी भी आप प्रैक्टिकली चीजें बनाते हो ना, ये आपको पता होंगे, जो फ्रंट स्क्रैप होता है वो हमेशा जो आपकी स्क्रैप ब्रिज होती है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1.5 कहेगा ये आपको जो है स्क्रैप ब्रिज में 1.25 मिलेंगे, लेकिन आपको 1.5 लेके चलना है, ठीक है, उससे कम में नहीं जाना, ये मेरा तरफ से आपको सजेशन है। अब देखो आप, मैंने फ्रंट स्क्रैप निकाल लिया, अब आते हैं वेट निकालने का। वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वेट निकालने का फॉर्मूला होगा मेरा जो पिच है, जो मेरा कंपोनेंट है, जो मेरा ब्लैंक है, जो मेरा कंपोनेंट की ब्लैंक निकल जाएगी उसकी हाइट चाहिए। हाइट मतलब ये आपका हाइट चाहिए, ठीक है। हाइट के साथ 2 × स्क्रैप बीस, स्क्रैप बीस कौन सा, ये एक स्क्रैप बीस है, ये एक स्क्रैप बीस है, तो ये जो होगा ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब पिच निकालना है, पिच निकालने के लिए आप क्या होगा, एक कॉम्पोनेंट पूरा चाहिए प्लस आपको क्या चाहिए, स्क्रैप बीस चाहिए। तो एल, एल मतलब क्या होगा, कॉम्पोनेंट की लेंथ हो गया, कॉम्पोनेंट का लेंथ नहीं, जो आपकी ब्लैंक है उसकी लेंथ है, ठीक है, ब्लैंक लेंथ प्लस स्क्रैप बीस, स्क्रैप बीस मतलब बीस का ये डिस्टेंस, तब आपका क्या निकल जाएगा, पिच निकल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लैंक साइज चाहिए, तो मेरा ब्लैंक है उसका मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। अब ब्लैंक की एरिया निकालने सॉफ्टवेयर में तो बहुत ईजी है, आप एरिया निकालना है एनएस में आप सीधा निकाल सकते हो उसको सिलेक्ट करके, है ना, मेजर टूल में जाके वहाँ से सीधा आप निकाल सकते हो, या अगर आपके पास 19 या उससे ऊपर वर्जन वाला एनएक्स है तो उसमें भी आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा, करके क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहाँ पे हम मैन्युअली कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, दो कमांड लगाऊंगा सीधा एरिया निकल जाएगा, कैसे भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो कैसे भी हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरा एरिया है, ये मेरे रेक्टेंगुलर है, बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, ठीक है। अगर मेरा सर्कल होगा क्या होगा, पाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे सर्कल के लिए पाई स्क्वायर आपको यूज करना है, बट बेसिकली मेरा रेक्टेंगल है तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, उसका क्या होगा, एरिया इंटू नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पिच इंटू विड्थ, ठीक है। अब हम लेआउट में आते हैं, ठीक है, उसको हम जो है अभी एक नया एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मेरा थिकनेस है कंपोनेंट का, इसका हम 2 mm, इसको हम लेते हैं 2 mm का, मैं थिकनेस ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे L और H मेरा जो है ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पे जो स्क्रैप बीस होता है, तो इसमें फॉर्मूला में मैं 2 mm मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे को स्क्रैप बीस जो है यहाँ दोनों के बीच में 3 mm मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे 3 mm का मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 mm, हाँ मतलब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब हम टूल बनाते हैं उसमें हम 3 की जगह 5 mm के अराउंड में ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इससे मैं ज्यादा ही लेता हूँ, कम नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 mm में अगर कोई कटिंग टूल चला रहा हूँ, कोई पंचिंग टूल चला रहा हूँ ना, तो 3 mm जो है बहुत छोटा है, तो इसको 5-6 mm एटलीस्ट चाहिए कि टूल जो है लॉन्ग चले, लंबा चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, उसमें भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो स्क्रैप बीस है, यहाँ पे देख पा रहे हो 3 mm है फ्रंट स्क्रैप, 1.5 × t फॉर्मूला में हमने पुट करा, तो यहाँ पे 3 mm मिल गया। विड ऑफ द स्क्रैप्स, तो यह फॉर्मूला जो है ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आपको कितना मिल जाएंगे, 40 + 2 × 3 आपको कितना, 46 हो गया। पिच ऑफ स्क्रैच 40 + 3 3 mm आपका क्या होगा, स्क्रैप हो गया, यहाँ पे 3 मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 43 हो गया। एरिया ऑफ द ब्लैंक, अब ये आपका एरिया निकालना है, इसको सॉफ्टवेयर में निकालना है या मैनुअली निकालना है, उसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1600 mm स्क्वायर का मुझे एरिया मिल गया, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन, कितना परसेंटेज इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ ब्लैंक साइज, मैंने कहा कितना निकालना 1600। नंबर ऑफ रो, यहाँ पे जो मेरा कितना रो, एक है, अगर यहाँ पे मेरा कितना रो है, 2 है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इंटू 2 कर दूंगा यहाँ पे, अगर इसके हिसाब से करने जाऊंगा, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे पुट करा, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रो यहाँ पे 2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो, लेकिन मेरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, ठीक है, 1600 × 1। अब आते हैं पिच, पिच मैंने पहले ही निकाल लिया यहाँ से 43, उसके बाद मुझे विड्थ चाहिए, विड्थ जो है मेरा यहाँ पे विड्थ है, ये W, ठीक है, जो आपका स्क्रैप बन रहा है, लेआउट बन रहा है, उसके मुझे विड्थ चाहिए, तो विड्थ मैं यहाँ से निकाल लूंगा। तो विड्थ निकालने के बाद मुझे क्या होगा, विड्थ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे इसकी जो है एरिया निकालना है, विड्थ कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इसका जो है विड्थ हमने निकाल लिया। अब उसके बाद जो है आप देखोगे यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 1600, ठीक है, 1600 हो गया आपका, इंटू 1, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, तो नंबर ऑफ रो हम यहाँ के कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। पिच इंटू विड्थ, पिच इंटू विड्थ अगर हम 43 × 46 करते हैं, तो यहाँ पे 1978 का आपका वैल्यू बन के आ रहा है। इसको अपने को परसेंटेज में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे,
जैसे इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो यहाँ पे 80.88% अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है। बट जब प्रैक्टिकली करते हो ना तो 60-65 से जो ऊपर होता है यूटिलाइजेशन वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 88 हम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे स्क्रैप बीज वगैरह इसको इनिशियली मैं इंक्रीज करूंगा प्रैक्टिकली जब कराऊंगा, क्योंकि 3 mm तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला इससे आपको कम नहीं रखना है, उससे ज़्यादा ही रखना है। तो यहाँ मैं 5 mm आसपास कर दूंगा तो ये मेरा निकल गया 65-67 के आसपास निकल गया। तो ये था बेसिकली फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने कोशिश करा कि सारा चीज़ें जो है 10 से 15 मिनट में मैं कवर करूँ। और जिसको भी इस तरीके से क्लासेस वगैरह चाहिए नीचे नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारा चीज़ें प्रैक्टिकली थ्योरिकली कराते हो, और जो भी चीज़ें कराते हो कंपनी लेवल में कराते हो, जो भी डाटा कराते हो प्रैक्टिकली कराते हो, जो भी चीज़ें फीस वगैरह लेते हो ये सारा चीज़ें कैलकुलेशन का ही लेता हो, अलग से सिखाने का अवश्य कुछ वो चीज़ें नहीं है। जिसको भी अच्छा सीखना है, अच्छे लेवल में करना है, वो नंबर मेंशन है, वहाँ पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ चीज़ें पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसको भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ें जो है आप अगर क्लियर नहीं हुआ उसको समझा दूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करा इसको वीडियो बनाने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे कोट करा। तो आज का वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।